पटेल के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रही हैं। प्रचार है और मैं आप लोगों से वादा, आप वादा करेंगे, वचन दे रहे हैं कि इन्हें जिता के भेजेंगे। ये मेरी बहन जैसी है और मुझे पूरा विश्वास है ये महिलाओं का सम्मान और हक की बात रखेंगी, हमारे किसान भाइयों की बात रखेंगी, युवाओं की बात रखेंगी और मुझे पूरा भरोसा है कि आप पल्लवी जी को अपना पूरा समर्थन देंगे। बहुत सारी बातें मैं कहना चाहती हूँ। ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है? जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में, जंग का रंग क्या होता है? हाँ, कौन सा रंग होता है जंग का? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। तो ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है और यूपी को वापस पटरी में लाने का समय आ गया है। और मुझे पूरा, और ये चुनाव कोई हमारा चुनाव नहीं रह गया है, ये चुनाव तो जनता लड़ रही है, जनता तैयार है ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने के लिए और ऐसे इंजन को लाने के लिए जो उत्तर प्रदेश को एक संपन्न प्रदेश बनाएंगे, जो उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की बात करेंगे, जो हमारे किसान भाइयों की बात करेंगे। आपने देखा कैसे हमारे किसान भाइयों ने, 700 किसान भाइयों की जान गई कि नहीं गई? इन लोगों को कोई पश्चाताप नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। इन लोगों के दिलों में रहम नहीं है, इन लोगों के दिलों में भावनाएं नहीं है। ये खाली लोगों की भावनाओं से खेलते हैं वोट पाने के लिए और बाद में सब भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते? हमारी युवाओं को कितनी नौकरियां मिली? हमारा किसान के अगर दो बेटे और एक बेटी होती है, एक बेटा किसानी करता है, एक बेटा फौज में जाता है, जाता है कि नहीं जाता है? फौज की नौकरियां निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए ये लोग? और आने वाले समय में अगर ये निकालेंगे भी तो ये संविदा में रखना चाहते हैं हमारे नौजवानों को। और जो एक बेटा तो फौज में जा नहीं सकता और दूसरे बेटों को रात रात भर जग के खेती करनी पड़ रही है कि नहीं करनी पड़ रही अपने खेतों की? चौकीदार बना दिया कि नहीं बना दिया अपने खेतों का? और बेटी को कहां से पढ़ाएगा किसान अपनी, बताइए? आमदनी दुगने करने की बात हुई कि नहीं हुई थी? महंगाई इतनी बढ़ा दी कि आमदनी तो आधी ही रह गई। अब बताइए कहां जाए युवा, कहां जाए किसान और महिलाएं भी कहां जाए? मैं समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता है, तो मैं आज ये आप सबको विश्वास दिला के जा रही हूँ कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो जैसे हमारे घोषणा पत्र में कहा गया है, खासकर महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण दिया जाएगा सभी सरकारी नौकरियों में। कन्या विद्याधन 12वीं पास कर लेंगी हमारी बेटियां तो उनको एक मुश्त राशि दी जाएगी 36,000 रुपए की। इसी के साथ बीपीएल परिवार की महिलाएं जो प्रसव के समय 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी ऐसी महिलाओं को, और हमारी बेटियों को और हमारी बेटियों की शिक्षा केजी से लेके पीजी तक मुफ्त की जाएगी। जो हम पेंशन देते थे अपनी महिलाओं को, पेंशन मिलती थी कि नहीं पेंशन मिलती थी? आने वाले समय में 1 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को पेंशन देनी पड़ेगी, तो ये पेंशन हम देंगे और यह पेंशन हम 500 रुपए से बढ़ा के 18,000 रुपए प्रतिमाह देंगे जो सीधे महिलाओं के अकाउंट में जाएगी। और लैपटॉप मिले यहाँ पे किसी को? हमने सुना था लखनऊ में फोटो खिंचवाने के लिए कार्यक्रम कराया गया जहाँ पे फोन और लैपटॉप बांटे गए, लेकिन आखिरी में चुनाव आने से पहले जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो सब बच्चों को लैपटॉप देने का प्रावधान भी रखा गया है और दिया गया है, और आने वाले समय में फिर देने का काम किया जाएगा। इसी के साथ जितने भी हमारे किसान भाइयों ने अपनी
जान खोई है, जो शहीद हुए हैं हमारे 700 किसान भाई और बुजुर्ग जन, उनको 25-25 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। और जिन किसान और किसान जिन किसान भाइयों की मृत्यु हुई है सांड के द्वारा, सबसे प्रिय जानवर कौन सा है हमारे मुख्यमंत्री जी का, तो जिन जिन हमारे किसानों की मृत्यु हुई है सांड के द्वारा, उनको भी 5 लाख राशि दी जाएगी। सभी 2 पहिए वाहन मालिकों को प्रति माह 1 लीटर पेट्रोल तथा ऑटो रिक्शा चालकों को 3 लीटर पेट्रोल व 6 किलो CNGC मुफ्त दी जाएगी। और 3 सिलेंडर साल के मुफ्त महिलाओं को दिए जाएंगे। इन लोगों ने कनेक्शन तो दे दिया और सिलेंडर की कीमत कितनी बचा दी बताइए, उन कनेक्शन का कोई काम है अब? तो समाजवादी पार्टी आने सरकार आने पे हर महिलाओं को 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। और इसी के साथ महिला सुरक्षा को लेकर मैं कहना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी सरकार के आने के बाद हम महिला सुरक्षा पे खास तौर पे काम करेंगे और हर गांव में CCTV कैमरा लगाने का काम करेंगे, हर गांव में CCTV कैमरे लगाने का काम करेंगे। और एक पूरी, जिस तरह हमारे पुलिसकर्मी यहां खड़े हैं, तो पूरी महिला सुरक्षा इकाई बनाई जाएगी महिलाओं के लिए। पूरी पुलिस में एक अलग से इकाई बनाई जाएगी महिलाओं की, जिससे कि वो महिलाओं के दुख दर्द को समझेंगे और वो एक ऐसा। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है कि नहीं? ये युवाओं का चुनाव है, ये हमारी बेटियों का चुनाव है, ये हमारे किसानों का चुनाव है, ये हमारे सभी लोगों का चुनाव है। और बढ़ चढ़ कर इस चुनाव में हिस्सा लीजिए और ऐसे हराइए यहाँ के मंत्री जी को कि उनको भी शर्म आ जाएगी कहाँ वो पल्लवी पटेल जी के सामने आ गए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब यहाँ समाप्त करती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारा मान सम्मान रखेंगे और पल्लवी जी को बहुत अच्छी तरह से जिता के भेजेंगे। धन्यवाद।